अब एक दूसरी दृष्टि दे रहे हैं कि या फिर ऐसा समझिए कि लौकिक माने लोक में होने वाले जितने सारे शब्द, चाहे वेदों में हो, चाहे पुराणों में हो, काव्यों में, नाटकों में, या मनुष्यों के द्वारा बोले जा रहे हो, वो सारे लौकिक नहीं कहे जाते। लौकिक शब्द इस रूप में प्रसिद्धि किनकी है? जो मनुष्य जिन शब्दों का आपस में जीवन निर्वाह के लिए, लोक यात्रा को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, केवल उन्हीं शब्दों को लौकिक कहा जाता है। ठीक है, इतना विस्तार उस अर्थ का नहीं ले रहे कि चूंकि वेद भी तो लोक में ही है तो इसलिए वैदिक शब्द भी क्या हो गए? लौकिक शब्द। इतना विस्तृत लौकिक शब्द का अर्थ नहीं लेकर के इस दूसरी बार के व्याख्यान में लौकिक शब्द का अर्थ संकुचित कर दिया कि लौकिक कहने से पहली दृष्टि हमारी कहाँ जाती है? ये लोक यात्रा हेतवो भाषा शब्दाः तेषु एव लौकिकत्वं प्रसिद्धम्। लोक यात्रा के कारणभूत जो भाषा शब्द हैं, ठीक है, संस्कृत भाषा के शब्द हैं, तेषु एव लौकिकत्वं प्रसिद्धम्, उनके संदर्भ में ही लौकिकत्व ऐसी प्रसिद्धि है, माने उन्हीं को लौकिक कहा जाता है। इति वैदिकानां पृथक उपादानम्। तो इस पक्ष में तो लौकिक इस शब्द से वैदिक शब्द गृहीत ही नहीं हुए ना, जब गृहित नहीं हुए तो वैदिकों का पृथक ग्रहण करना ही पड़ेगा। देवकांति जी, स्पष्ट हुई दोनों बातें? पहले पक्ष में लौकिक शब्द का विस्तृत अर्थ ले लिया था कि लोक में जो भी होने वाले शब्द वो लौकिक शब्द कह रहे, और फिर क्या कहा कि लोक में ही वेद भी तो है, लोक में ही, संसार में ही तो वेद है, लोक माने संसार, और संसार में वेद भी है, तो वैदिक शब्द भी कैसे हो गए? लौकिक ही हो गए। जब लौकिक शब्द में सारे आ ही गए, वैदिक भी लौकिक भी जिनको आप कह रहे हो, तो अलग से वैदिक नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो उसका उत्तर दे दिया क्या? ब्राह्मणाः आयातः वशिष्ठोप्यायातः, इस न्याय से प्राधान्य ख्यापन के लिए वैदिक शब्दों का ग्रहण कर दिया है। ठीक, एक पक्ष ये हो गया। दूसरा उत्तर क्या दिया है कि वैदिक शब्दों को अलग से ग्रहण क्यों किया? क्योंकि लौकिक शब्दों में वैदिक शब्द आए ही नहीं। अब यहाँ पे लौकिक शब्द का अर्थ संकुचित लिया इन्होंने कि लोक यात्रा के कारण जो बनते हैं ऐसे प्रसिद्ध, मनुष्यों के द्वारा प्रसिद्ध व्यवहित शब्द ही लौकिक इस शब्द से लिए जाएंगे। लोक में होने वाले जितने सारे शब्द हैं, सब शास्त्रों के, वेदों आदियों के भी, उनको लौकिक शब्द से यहाँ कह ही नहीं रहे हैं। जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोक यात्रा के हेतु शब्द हैं उन्हीं को केवल लौकिक कह रहे हैं। जब ऐसा कह रहे हैं तो माने वैदिक शब्दों का, शास्त्रगत शब्दों का इसमें ग्रहण नहीं हुआ लौकिक पद के द्वारा, और जब नहीं ग्रहण हुआ तो उनका अलग से ग्रहण करना ही होगा। अस्तु। अथवा ये लोक यात्रा हेतवो भाषा शब्दास तेषु एव लौकिकत्वं प्रसिद्धम् इति वैदिकानां पृथक उपादानम्। तत्र लौकिकाः अनियत वर्णानुपूर्विकाः। अब लौकिक और वैदिक शब्दों के ये कुछ उदाहरण दिखा रहे हैं अपनी ओर से। भाष्यकार ने तो प्रश्न पूछा है और वहां पे जो है वो मूल भाष्य में ही उदाहरण दिखा दिए। यहाँ मूल काशिकाकार ने उदाहरण नहीं दिखाए हैं ना, लेकिन फिर भी व्याख्याकार अपनी ओर से दिखा रहे हैं। तत्र लौकिकाः, उन शब्दों में से लौकिक शब्द हैं कौन से? अनियत वर्णानुपूर्विकाः, जिनकी वर्णानुपूर्वी निश्चित नहीं है। ऐसे अनियत वर्णानुपूर्वी वाले शब्द, ठीक है, अनियत वर्णानुपूर्वी वाले शब्द लौकिक शब्द हैं, जैसे गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ति इत्येवमादयः। अब यहाँ कोई वाक्य संरचना थोड़े हो रखी है कि आपको ऐसा ही बोलना है, रामः गृहं गच्छति ही बोलना है, गृहं गच्छति रामः नहीं बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। किसी भी शब्द को आगे पीछे उसका क्रम करके आप वाक्यों की संरचना कर सकते हैं और बोल सकते हैं। तो ऐसे जो अनियत वर्णानुपूर्वी वाले शब्द हैं वो तो क्या कहे जाते हैं? लौकिक शब्द। लेकिन वैदिक शब्द क्या है? वैदिकास्तु नियतानुपूर्विकाः। वैदिक शब्दों में तो उन सारे शब्दों का पौर्वापर्य क्रम बिल्कुल नियत है, वैसा ही बोलना पड़ेगा, तभी उसका मंत्रात्मक स्वरूप प्रकट होगा और तभी उसका प्रभाव होगा, जैसे कि शन्नो देवी रभिष्टये इत्यादि। इतनी बात हुई स्पष्ट? अब ये सारा जो है वो न्यासकार का एक पंक्ति पे व्याख्यान हुआ। किस पर? केषां शब्दानां लौकिकानां
वैदिकानां च। अब इसी को पद्मंजरी से देख लीजिए, इसी पंक्ति को, केशाम शब्दानाम इति। पद्मंजरीकार इस उद्धरण को लेकर के व्याख्यान प्रारंभ कर रहे हैं। कथम पुनरनुशासने गुणीभूतानां शब्दानां किम शब्देन परामर्शो युज्यते। समझ गए आप लोग, बिल्कुल न्यासकार वाले ही बात है ना। कथम पुनरनुशासने गुणीभूतानां शब्दानां किम शब्देन परामर्शो युज्यते। तो उत्तर दिया, सादयम् स्याद् अयम् दोषः यदि केषाम् इति एतावद् उच्येत। स्याद् अयम् दोषः, ये दोष आप जो कह रहे हो वो हो सकता था यदि केषाम् इति एतावद् उच्येत। अगर अभी तो बोला है केषाम् शब्दानां, है ना, ऐसा बोला है, अगर केवल केषाम् बोलते तो कोई दोष हो सकता था, ये उत्तर दिया जा रहा है। तदा ही शब्दानां इति अनुषंगः आश्रयणीयः तच्च गुणीभूतस्य अनुपपन्नम्। कहते हैं कि अगर केषाम् इतना ही पूछते ना, तो फिर केषाम् ये प्रश्न किसके साथ जुड़ जाता, मुख्य के साथ, क्योंकि आपने स्पष्ट कुछ बोला नहीं, तब ये जाकर के मुख्य के साथ जुड़ सकता था। और फिर केषाम् तो होता नहीं, क्योंकि अनुशासनम है ना, तो किम अनुशासनम, ऐसा कुछ प्रश्न बनता, ठीक है, ऐसा कुछ होता। लेकिन आपने किम शब्द पढ़ा है, साथ में शब्दानाम भी पढ़ दिया है स्पष्ट रूप से, इसलिए अब कोई समस्या नहीं है। स्यादयम् दोषः यदि केषाम् इति एतावद् उच्येत। ये जो आप कह रहे हो ना कि गुणीभूत का परामर्श कैसे कर लिया, गौण के विषय में प्रश्न कैसे कर दिया, प्रधान के विषय में प्रश्न क्यों नहीं हुआ, किम शब्द से तो प्रधान के विषय में ही जिज्ञासा होनी चाहिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर अकेला किम शब्द प्रयोग किया गया होता तो फिर वो सीधे सीधे किसके साथ जुड़ता, जैसे हमने पढ़ा अथ शब्दानुशासनम और फिर हमने बोला किम, तो किम किसके साथ जुड़ता, जाके सीधे मुख्य जो पदार्थ है उसके साथ जाकर के जुड़ जाता। लेकिन अभी तो हमने केवल किम शब्द का तो प्रयोग किया नहीं है, हमने तो पूरा वाक्य स्पष्ट किया है केषाम् शब्दानाम। देखिए, स्यादयम् दोषः यदि केषाम् इति एतावद् उच्येत तदा हि शब्दानाम् इति अनुषंगः आश्रयणीयः। अगर केषाम् इतना ही बोलते तो फिर हमें शब्दानाम ये विशेष रूप से उसका अनुषंग करना पड़ता, उसका अध्याहार करना पड़ता, अध्याहार का आश्रयण करना पड़ता। और तच्च गुणीभूतस्य अनुपपन्नम्, क्योंकि किम या कस्य इतना कहने से तो बात स्पष्ट नहीं हो रही ना कुछ साथ में जोड़ना पड़ता, और फिर हम अपनी इच्छा से वहां पे गौण को अध्याहित ना कर पाते वो, क्योंकि किम शब्द का स्वभाव ऐसा है कि वो अपने आप किससे जाकर के जुड़ता, मुख्य से जाकर के जुड़ जाता, प्रधान से जाकर के जुड़ जाता। तो तदा ही, तदा कब, यदि अकेले किम शब्द का प्रयोग होता तब शब्दानाम इति अनुषंगः आश्रयणीयः, तब शब्दानाम इस पद का हमें अनुषंग आश्रित करना पड़ता, अर्थात उसको अध्याहृत करना पड़ता। तच्च गुणीभूतस्य अनुपपन्नम्, और वो जो अध्याहार है वो गुणीभूत का अनुपपन्न है, गुणीभूत का अध्याहार सिद्ध नहीं होता, क्योंकि लोक व्यवहार की दृष्टि से सामान्य रूप से प्रधान का ही अध्याहार होगा। वाक्य अभिप्राय मुख्य अर्थ को बताने में ही रहता है ना, तो इस दृष्टि से कह रहे हैं, क्योंकि अथ शब्दानुशासनम ने मुख्य रूप से शास्त्र को कहा, ठीक है, अथ शब्दानुशासनम में मुख्य अर्थ जो है वो शब्दानुशासनम इस पद में शास्त्र है या अनुशासन है। तो केवल किम करेंगे तो फिर किम किससे जाके जुड़ेगा, अनुशासनम से जाकर के जुड़ेगा। तो कस्य अनुशासनम, ऐसा प्रश्न हो सकता है, कस्य अनुशासनम, ऐसा प्रश्न हो सकता है। लेकिन अब ये समस्या नहीं आएगी, जब हमने क्या बोला है स्पष्ट रूप से, शब्दानाम भी बोला है, केषाम् शब्दानाम ऐसा संबंध करके बोला है, तब किम शब्द मुख्य के साथ अपने आप जुड़ जाएगा, ऐसा दोष नहीं आएगा। चलिए आगे देखिए, इह तु शब्दानाम इति स्वशब्देन उपादीयते। यहां तो, यहां कहां, केषाम् शब्दानाम इस प्रश्न में, शब्दानाम इति स्वशब्देन उपादीयते, शब्दानाम ये पद
आचार्य के स्व शब्द से गृहित है, ठीक है। माने आचार्य ने अपनी वाणी से ही एक तरह से उच्चारण कर दिया है ना, अपनी वाणी से ही उच्चारण कर दिया है शब्दानाम इस पद का। केशाम शब्दानाम स्पष्ट बोला है ना, शब्दानाम इस पद का ग्रहण स्पष्ट है। तत्तु प्रकृत गुण भूत शब्द परम इति एतावत। और केशाम शब्दानाम में जो शब्दानाम ये पद है ये किस अर्थ को बता रहा है, तो कहा ये किसका संकेतक है, तो कहा कि ये अथ शब्दानुशासनम इस वाक्य में, शब्दानुशासनम इस पद में जो गौणी भूत शब्द ये पद है उसका संकेतक है, तत्परक है, ठीक है। जैसे आप यूं समझ लीजिए कि जैसे कोई बालक बोलता है कि लितक लितक, अशुद्ध बोलता है, फिर हम जो है उस बालक का अनुकरण करते हुए किसी दूसरे को बताते हैं, वो छोटा बालक देवदत्त है और वो लितक ऐसा बोल रहा है, तो हम उसकी माता को बताते हैं, मान लीजिए हम उसके बड़े छोटे भाई हैं बहन हैं जो भी हैं, और हम माता को बता रहे हैं कि देवदत्त लितक इति आहा, तो हमारे देवदत्त लितक इति आहा इस वाक्य में हम जो लितक शब्द बोल रहे हैं वो हमारा अपना शब्द नहीं है, वो किसका संकेतक है, उस देवदत्त बालक ने जो लितक शब्द बोला था उसका संकेतक है ना। इसी तरह से मूल वाक्य तो महर्षि पतंजलि जी का है अथ शब्दानुशासनम, अब काशिकाकार बोल रहे हैं केशाम शब्दानाम, तो केशाम शब्दानाम इस वाक्य में जो शब्दानाम पद है वो किसको इंगित कर रहा है, अथ शब्दानुशासनम के शब्द इस पद को इंगित कर रहा है ना, नहीं। उदाहरण भी देके बता दिया मैंने आपको, उदाहरण तो समझ में आया, हमने माता को बताया देवदत्त लृतक इत्याह, तो हमारे इस वाक्य में लृतक शब्द किसका संकेतक है, बालक ने जो लृतक बोला था उसी का। तो अब ऐसे ही यहाँ पे आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे देवदत्त बालक ने बोला था ना लृतक, वैसे महर्षि पतंजलि जी प्रथम स्थान पे हैं, वो पहली बार बोल रहे हैं अथ शब्दानुशासनम, अब काशिकाकार बोल रहे हैं केशाम शब्दानाम, तो केशाम शब्दानाम इस वाक्य का जो शब्दानाम पद है वो किसका संकेतक है, अथ शब्दानुशासनम के शब्द पद से जो अर्थ गृहित था उसी को तो यहाँ शब्द अर्थ से कहा जा रहा है। इतनी ही बात इस वाक्य में कही है, देखिए फिर से पढ़िए वाक्य, तत्तु प्रकृत गुण भूत शब्द परम इति एतावत, ये लिखा है ना, ये पंक्ति आपको बिना इसके समझ में नहीं आएगी उदाहरण के। तत्तु, तत्तु माने कौन, केशाम शब्दानाम का शब्दानाम ये पद, पीछे से देखिए जरा पंक्ति को, इह तु शब्दानाम इति स्व शब्देन उपादीयते, यहां तो कहां तो, केशाम शब्दानाम इस वाक्य में शब्दानाम इति स्व शब्देन उपादीयते, शब्दानाम इति पदम, शब्दानाम ये पद काशिकाकार ने, कौन है काशिकाकार जी, जयादित्य वामन, जयादित्य वामन जी ने क्या किया है, स्व शब्देन उपादीयते, उन्होंने अपने शब्द से, ठीक है, अर्थात स्पष्ट पद के उच्चारण से उन्होंने ग्रहण किया है। अब वो किम परक है, वो शब्दानाम पद हमें किसका संकेत करा रहा है, किम परक है, उसको अग्रिम पंक्ति में बताया है। तत्तु, तत्तु माने केशाम शब्दानाम वाक्य का शब्दानाम वह पद तो प्रकृत गुणभूत शब्द परम, प्रकृत गुणभूत शब्द कौन था, प्रकृत गुणभूत शब्द अथ शब्दानुशासनम का शब्द ये पद है ना, प्रकृत गुणभूत शब्द परम, परम माने परक है, समास है ये, बहुव्री समास हो रखा है, प्रकृत गुणभूत यह शब्द स एव परह यस्य तत् प्रकृत गुणभूत शब्द परम, ठीक है, हुआ थोड़ा स्पष्ट हुआ, केशाम शब्दानाम इस वाक्य का शब्दानाम ये पद प्रकृत गुणभूत शब्द परक है, अथ शब्दानुशासनम में जो गुणभूत शब्द ये पद है, पूर्व पद है, उसका संकेतक है, तत्परक है, तत्परक है माने उसका संकेतक है, उसी को प्रधानता से कह रहा है। तच्च नानुपपन्नम,
और कहते हैं कि चूंकि केशाम शब्दानाम में शब्दानाम पद किसका संकेतक है, शब्दानुशासनम इस पद के पूर्व पद का संकेतक है, इसलिए तच्च न अनुपपन्नम, इसलिए केशाम शब्दानाम ये प्रश्न अनुपपन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अथ शब्दानुशासनम का जो शब्द पद है वो हमारी बुद्धि में सन्निहित है, बुद्धौ सन्निहितत्वात्, बुद्धि में सन्निहित होने से। फिर आगे उदाहरण देकर के समझा दिया, राजपुरुषोयम कस्य राज्य इतिवत, ठीक है, राजपुरुषोयम ये लोक व्यवहार होता है, फिर वहां कस्य राज्य है, ये प्रश्न भी लोक व्यवहार में होता है, ये प्रश्न अनुपपन्न नहीं है, पूछा जाता है। यद्यपि राजपुरुष ऐसा शब्द बोलते ही पुरुषार्थ की प्रधानता हो जाती है, राजार्थ गौण होकर के उसी पुरुषार्थ में प्रधान अर्थ में ही मिल जाता है, एकीभूत अर्थ हो जाता है, लेकिन फिर भी बुद्धि में सन्निहित होने के कारण से हम राजन शब्द के अर्थ को पृथक करके उसके बारे में प्रश्न जैसे पूछ सकते हैं, वैसे ही शब्दानुशासनम इस समस्त पद के भी एक ही हो जाने पर भी फिर भी हम वहां बुद्धि से प्रविभाग करके शब्द के विषय में प्रश्न कर सकते हैं। अस्तु, आगे देखिए, पृच्छतश्च अयम अभिप्रायः, पृच्छतः माने पूछते हुए व्यक्ति का, षष्ठी का एक वचन है ये, पृच्छतः अयम अभिप्रायः, पृच्छन् पृच्छन्तौ पृच्छन्तः, पठन् पठन्तौ पठन्तः, किं प्रत्यन्तोऽयं शब्दः, क्षत्रिप्रत्यन्तः, पृच्छतश्च अयम् अभिप्रायः, पूछते हुए व्यक्ति का ये अभिप्राय है। शब्दानुशासनम् इत्यत्र शब्द शब्दः सामान्यवचनः, केषां शब्दानां जो प्रश्न पूछ रहा है उसका अभिप्राय क्या है उसको बताते हुए कहते हैं कि अभिप्राय ये है कि पीछे उस जिज्ञासु के मन में ये विचार श्रृंखला चल रही है कि शब्दानुशासनम बोला आपने, अथ शब्दानुशासनम ये वाक्य बोला, वहां पर इत्यत्र शब्द शब्दः सामान्य वचनः, वहां पर शब्द ये पद सामान्य वाचक है। संति च समुद्र घोषादयः शब्दाः, और समुद्र घोषादि बहुत सारे शब्द हैं, येषु वर्णाभिव्यक्तिरपि नास्ति, जिनमें साधुता असाधुता की बात तो छोड़े, जिनमें वर्णों की भी अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं है। संति च गाव्यादयोपभ्रंशाः, और जैसे समुद्र घोषादि शब्द हैं उनमें तो वर्णों की अभिव्यक्ति भी स्पष्ट नहीं है, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनमें वर्णों की अभिव्यक्ति तो स्पष्ट है लेकिन वो अपभ्रंश हैं, जैसे कि गावी गोणी गोपतिलक आदि, ठीक है। संति च गाव्यादयोपभ्रंशाः, गावी आदि अपभ्रंश शब्द भी हैं। संति च गवादयो अनादयः साधवः, और गो आदि अनादि साधु शब्द भी हैं। तत्र अविशेषात् सर्वेषाम् अनुशासनं प्राप्नोति इति, और आपने शब्द इसका संकोच तो किया नहीं, अथ शब्दानुशासनम में शब्द इस पद के अर्थ का कोई संकोच किया नहीं, इसलिए अविशेषात्, अविशेष का वाचक है, सामान्य का वाचक है, तो अविशेष रूप से सर्वेषाम शब्दानाम अनुशासनम प्राप्नोति, सारे शब्दों का अनुशासन पाएगा, माने अव्यक्त वाक का भी अनुशासन पाएगा और व्यक्त वाक में जो अपभ्रंश शब्द हैं उनका भी अनुशासन पाएगा, अव्यक्त वाक में जो साधु शब्द हैं उनका भी अनुशासन पाएगा। तो हमें तो चाहिए केवल साधुओं का अनुशासन, ठीक है, साधु शब्दों का अनुशासन, लेकिन पाने लगेगा सभी का अनुशासन, इसलिए पूछ रहे हैं। अथ शब्दानुशासनम कहने से अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ ना कि शब्द से कौन से शब्द ले रहे हो आप, शब्द वहां पे एक व्यापक शब्द है और उससे सारे अर्थ गृहित हो सकते हैं, तो स्पष्ट ना होने के कारण से प्रश्न पूछा है केषां शब्दानाम। इतरोपि शब्दानुशासन शब्दस्य व्याकरणे योग रूढत्वात् तस्य च वेदांगत्वात् समुद्र घोष गाव्यादि व्युत्पादनस्य च वेदानुपयोगित्वाद् आह लौकिकानां वैदिकानां च। देखो यहाँ प्रश्न भी किस कारण से हुआ है, केषां शब्दानां, ये प्रश्न भी कहाँ से आया, अथ शब्दानुशासनम से ही आया है ना, वहीं से तो प्रश्न किया है कि अथ शब्दानुशासनम वाक्य पढ़ा है आपने, इसमें जो शब्दानुशासनम पद है इसका शब्द ये पद, इसका जो पूर्व पद शब्द है वो सामान्यवाची है, इसलिए सबका अनुशासन करोगे क्या आप, अव्यक्त वाक का भी, अपभ्रंश शब्दों का भी, साधु शब्दों का भी, सबका अनुशासन करोगे क्या, ये पूछने के लिए ही पूछा है केषां शब्दानाम।
और उत्तर भी कहां से आया? अथ शब्दानुशासनम से ही उत्तर भी आया है। उत्तर देने वाले व्यक्ति ने भी तो इसी वाक्य का आश्रय करके उत्तर दिया है कि नहीं, ये यहां पर किन शब्दों का अनुशासन है? केवल साधु जो लौकिक वैदिक शब्द हैं उन्हीं का अनुशासन है। कैसे? क्योंकि अथ शब्दानुशासनम कहने से ही तो हमें पता चल रहा है कि ये व्याकरण शास्त्र है, और व्याकरण शास्त्र है तो वेदांग है, वेदांग है तो वेदांगता तभी होगी व्याकरण शास्त्र की जब वो साधु लौकिक वैदिक शब्दों का अनुव्याख्यान करेगा। ठीक है, तो लौकिकानाम वैदिकानाम ये उत्तर भी कहां से निकला? अथ शब्दानुशासनम यहीं से आया, इसको कहते हैं। देखिए पढ़िए, तो केशाम शब्दानाम ये प्रश्न कर दिया, क्योंकि अथ शब्दानुशासनम से अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा था कि कौन से शब्दों का आप अनुशासन करने जा रहे हो। इतरोपी, दूसरा जो उत्तर देने वाला व्यक्ति है वो भी क्या करता है? शब्दानुशासन शब्द से व्याकरणे योग रूढ़त्वात्, शब्दानुशासनम ये शब्द व्याकरण में योग रूढ़ होने के कारण से, जैसे कल एक उदाहरण दिया था ना कि पंकज का अर्थ हम कमल लेते हैं, तो ये कैसा अर्थ है? योग रूढ़, योगिकता भी घट रही है। पंके जायते, योगिकता माने जो शब्दों का परस्पर शब्दशः अर्थ निकल रहा है वो भी घट रहा है, पंक में उत्पन्न होता है ये अर्थ निकल रहा है ना, पंके जायते पंकजः, तो ये अर्थ भी घट रहा है। लेकिन रूढ़ता भी है, क्योंकि पंकज से कमल ही अर्थ ले रहे हैं हम, वहां जो कीड़ा हो रहा है, घास हो रही है, या कोई तृण आदि बेल आदि उग गए हैं उनको नहीं ले रहे पंकज शब्द से। योगिकता भी है और रूढ़ता भी है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? योग रूढ़। ठीक है, और सर्वथा रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? कि मान लीजिए, केवल मान लीजिए, ऐसा है नहीं कि पंकज हम जो है वो इस लाइट को भी पंकज शब्द से कहते हो, इस लाइट का जैसे ब्रांड का नाम रख देते हैं ना, तो मान लो उसका नाम रख दिया पंकज। अब ये रूढ़ है, केवल अर्थ तो नहीं घटता ना वहां पे, पंके जायते ये अर्थ तो नहीं घट रहा वहां पर, तो वो शब्द केवल कैसे हो जाते हैं? रूढ़ हो जाते हैं। और जब पंकज शब्द से हम सारे अर्थ ले सकते हो, जो भी पंक में उत्पन्न होता है वो सारा, तो फिर वहां पे उस शब्द को कैसा माना जाएगा? योगिक शब्द। तीन प्रकार की श्रेणियां हो गई ना, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और योगिक शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द जहां पे शब्दार्थ संबंध ना घटे, केवल संज्ञा कर दी गई है, केवल संकेत मात्र है, योगिकता घट नहीं रही है, अर्थात संबंध घट नहीं रहा है, शब्दार्थ का संबंध घट नहीं रहा है, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द हो गए। और जहां पे योगिकता तो घट रही है, संबंध तो है, लेकिन फिर भी किसी एक ही पदार्थ को विशेष रूप से वो शब्द से ग्रहण किया जा रहा है, वहां पर अभिप्राय क्या हो जाएगा? वो शब्द कैसे कहे जाएंगे? योग रूढ़ शब्द। और जहां पे उस शब्द से हम उसके शब्दार्थ संबंध से प्राप्त हो सकने वाले जितने भी अर्थ हैं उन सबको ले लेते हो, या बहुत सारे अर्थों को ले लेते हो, वहां पर उस शब्द को हम कैसा कहते हैं? योगिक शब्द। देखिए, इतरोपि शब्दानुशासन शब्दस्य व्याकरणे योग रूढ़त्वात्, तो दूसरा व्यक्ति भी उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है? कि शब्दानुशासन ये शब्द व्याकरण इस अर्थ में योग रूढ़ है, योगिकता भी घट रही है ना, शब्दों का अनुवाख्यान करने वाला शास्त्र है तो योगिकता भी घट गई, लेकिन शब्दानुशासन से और कुछ नहीं लिया जा रहा यहाँ पर, केवल क्या लिया जाएगा? व्याकरण शास्त्र ही लिया जाएगा। ठीक है, अब कोई कहे कि शब्दों का अनुवाख्यान तो वैदिक संहिताओं से भी होता है, पुराणों से भी होता है, वो भी अनुवाख्यान ही है ना, वो पहले ऋषियों के हृदय में प्रकट हुए, बाद में जो है वहां अनुवाख्यान कर दिया गया, कथन कर दिया गया शास्त्रों में, सारी विद्याएं ही तो ऐसी हैं, लेकिन हम जो है वो उनको शब्दानुशासन के रूप में नहीं लेंगे, केवल व्याकरण शास्त्र को हम क्या कह रहे हैं? शब्दानुशासन। या जैसे आप यूं समझ लीजिए कि जैसे प्रातिपदिक पाठ है आपका, वो भी तो शब्दानुशासन है, गण पाठ, उसको भी तो शब्दानुशासन कह सकते हो ना, क्योंकि वहां पे भी शब्दों का अनुवाख्यान किया जा रहा है, लेकिन उसको हम, उसको अकेले को शब्दानुशासनम शब्द से नहीं कहते। तो ये योग रूढ़ शब्द है शब्दानुशासनम, ये शब्द योग रूढ़ शब्द है, किस अर्थ में? व्याकरणम, इस अर्थ में।
ठीक है, तो उसी बात को कहा यहाँ पे शब्दानुशासन शब्दस्य व्याकरणे योग रूढ़त्वात्, शब्दानुशासन इस शब्द के व्याकरण अर्थ में योग रूढ़ होने से, तस्य च वेदांगत्वात्, और तस्य कस्य व्याकरणस्य, उस व्याकरण के वेदांग होने से, समुद्र घोष गाव्यादि व्युत्पादनस्य च वेदानुपयोगित्वादाह, चूंकि व्याकरण वेदांग है और समुद्र घोष आदि अव्यक्त शब्द या गावी आदि अपभ्रंश शब्द शब्दों का व्युत्पादन वेदानुपयोगी त्वाद, वो वेद में किसी प्रकार से भी उपयोगी नहीं है, इसलिए दोनों हट गए। कौन हट गए? तीन प्रकार के शब्द बोले थे ना, समुद्र घोष आदि अव्यक्त शब्द, गावी आदि अपभ्रंश शब्द, और फिर साधु शब्द, तो दोनों हट गए। क्यों? क्योंकि प्रकरण आ गया, पहले के अथ शब्दानुशासनम के शब्द इस पद से सामान्य अर्थ ले लिया जाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था, लेकिन उत्तर पक्षी ने वहीं से उत्तर निकाल करके बता दिया कि नहीं, अथ शब्दानुशासनम इस पंक्ति में ही उत्तर भी छिपा है, क्योंकि शब्दानुशासनम कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। किस अर्थ को कह रहा है? व्याकरण अर्थ को कह रहा है, और व्याकरण अर्थ आते ही एक प्रसंग बन गया, एक प्रकरण आ गया, और प्रकरण आते ही अर्थ का संकोच हो गया, तो शब्द ये पद किसको कहने लगा? केवल जो वैदिक शब्द है और लौकिक शब्द है उन्हीं को कहने लगा। क्यों कहने लगा? क्योंकि व्याकरण वेदांग है, वेदांग है माने उसका वेदांगत्व तभी होगा जब जब वो वैदिक शब्दों का उपकारी हो। ठीक है, अब आगे अग्रिम कक्षा में। अस्तु एतावत्। ओम शांति 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 ही। ओम श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः।